बोली। एक लोकप्रिय प्राचीन हिंदू का त्यौहार है, इसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है और इसे प्यार का त्यौहार भी कहा जाता है। यह एक बसंत त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर राधा कृष्ण के शाश्वत प्रेम और दिव्य का प्रतीक है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, क्योंकि हिरण्यकश्यप और भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार के रूप में जश्न का रूप मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में मनाया जाता है। होली बसंत के आगमन और सर्दियों के अंत में आती है। यहाँ लोग प्यार का जश्न भी मनाते हैं। कई लोग इसे एक दूसरे के मिलने, खेलने, हंसने और एक दूसरों की गलतियों को माफ करने का जश्न भी मनाते हैं, और इसे कुछ लोग गलतियां सुधारने के रूप में भी ये पर्व को मनाते हैं। होली एक टूटे हुए रिश्ते सुधारने का उत्सव का दिन है। ये पर्व अच्छे फसल की मौसम की शुरुआत का जश्न भी मनाता है। ये त्योहार मार्च के महीने में भी आता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन महीने में ये पर्व मनाया जाता है। ये त्योहार पूर्णिमा के दिन शुरू होती है, शाम के दिन शुरुआत होती है और अगले दिन तक मनाई जाती है। पहली शाम को होलिका दहन होती है और अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। रंगों वाली होली महाराष्ट्र में मनाई जाती है, डोली पूर्णिमा पश्चिम बंगाल, आसाम, दुलेटी गुजरात और गुलंडी हरियाणा, मंजल कुली केरल, फगुआ यूपी बिहार और दुलंडी होली राजस्थान के रूप में मनाया जाता है। ये है हमारा छोटा सा सोसाइटी जिसका नाम है वृंदावन सोसाइटी। हमारे भारत देश जैसा ही है। यहाँ पे देश के हर प्रांत के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। आज यहाँ पे होली के पावन उत्सव का मीटिंग चल रहा है। चलिए देखते हैं सोसाइटी के लोग इस बार होली कैसे मनाते हैं। आप सबका वेलकम है वृंदावन के सोसाइटी नंबर। आप लोगों को मैंने यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि आपसे अपने मन की बात मैं रख सकूँ। मैं चाहती हूँ इस बार हमारी वृंदावन सोसाइटी में काफ़ी दिनों से, 2 साल से कोरोना ही चल रहा है, तो कोई भी फंक्शन अच्छे से हुआ ही नहीं है और काफ़ी लोगों के मन में थोड़ा सा मनमुटाव भी चल रहा है। तो अच्छा मौका है, 2 दिन के बाद होली है, तो हम सोसाइटी में अच्छे से होली का सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। एक होली का प्रोग्राम रखेंगे, पहले पूजा करेंगे और सेकेंड दिन जो हमारा वृंदावन का गार्डन है उसमें हम सब जमा होंगे और जो गुजराती है उस गुजराती मिठाई, जो मराठी है वो मराठी मिठाई और जो पंजाबी है वो पंजाबी मिठाई और जो मारवाड़ी है वो मारवाड़ी मिठाई लेके जमा होंगे और हम एक दूसरे का जो भी मन का मुटाव है उसको दूर करें और गुलाल लगा के मुँह मीठा करके सबका स्नेह प्राप्त करें। होली के दिन गली के कोने कोने पर या चौराहे के मध्य लोग प्रह्लाद रूपी एक लकड़ी लगाते हैं जिसे होली का डंडा भी कहा जाता है। फिर इसके चारों ओर झाड़ झंकार लगाते हैं।
फिर मुहूर्त के समय अनुसार महिलाएं इसकी पूजा अर्चना करती हैं। और फिर उसमें आग लगा देते हैं। आग जलने की यह प्रथा होलिका दहन की याद दिलाती है। और फिर सिलसिला शुरू होता है। होली के धमाल में महिला और पुरुष दोनों ही समूह में फगुआ गीत गाते हैं। लोग एक दूसरे के चेहरे पर रंग और गुलाल लगाते हैं। होली की बधाइयां देते हैं और होली के गीत पर नृत्य करते हैं। हिंदी फिल्मों के कई होली गीत भी बहुत लोकप्रिय हैं, जो लोगों की जुबां पर चढ़े हुए हैं।
रंगों का त्यौहार पूरे दिन भारत में होलिका दहन के बाद मनाया जाता है। बसंत की शुरुआत प्रतीक है। इस दिन युवा और बूढ़े समान रूप से रंग और पानी के साथ खेलते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धुलंडी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था, जिसकी खुशी में गांव वालों ने वृंदावन में होली का त्यौहार मनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी और अगले दिन रंग खेलने का उत्सव मनाया। तब से रंग खेलने का प्रचलन है, जिसकी शुरुआत वृंदावन से हुई और इसलिए आज भी ब्रज की होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
होली हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण बसंत त्योहार है। ये अन्य देशों में क्षेत्रीय छुट्टी के साथ भारत और नेपाल में एक राष्ट्रीय अवकाश में भी है। कई हिंदू और गैर हिंदुओं के लिए एक चंचल सांस्कृतिक कार्यक्रम है और मजाक में दोस्त या अजनबियों पर रंगीन पानी फेंकने का बहाना है।